हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। अभी हम आपको क्लास सेकेंड कंप्यूटर सब्जेक्ट के चैप्टर्स एक्सप्लेन करते हुए आ रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। CBSE कंप्यूटर क्लासेस के अंतर्गत आज हम देखेंगे हाउ टू हैंडल द कंप्यूटर माउस, चैप्टर 6। कंप्यूटर को हम कैसे हैंडल करेंगे, कंप्यूटर माउस को कैसे हैंडल करेंगे। होल्डिंग अ माउस एंड मूव इट, इस माउस को होल्ड करेंगे फिर इसे हम मूव करेंगे। रेस्ट योर पाम ऑन द माउस, होल्ड इट योर थंब ऑन वन साइड एंड लिटिल एंड रिंग फिंगर ऑन द अदर। सबसे पहले हम देखेंगे लेफ्ट क्लिक कैसे करते हैं, माउस पर हम अपने हाथों को कैसे रखते हैं। इस प्रकार हम माउस पर अपने फिंगर्स को रखेंगे। इंडेक्स फिंगर शुड बी पुट ऑन लेफ्ट बटन, इंडेक्स फिंगर को माउस के लेफ्ट बटन पर एंड मिडल फिंगर को माउस के राइट बटन पर रखेंगे। नाउ कीप योर आई ऑन द मॉनिटर स्क्रीन एंड मूव द माउस। अब हम अपने आँखों को मॉनिटर स्क्रीन पर देखेंगे एंड माउस को मूव करेंगे। When we press and release any button on the mouse, जब हम माउस के किसी भी बटन को प्रेस करेंगे और रिलीज करेंगे, it make a clicking sound, तब एक clicking टाइप की साउंड निकलती है। This is called clicking. It help to select an object or document on the computer screen. यह हमें कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी भी ऑब्जेक्ट या डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने में मदद करता है। पॉइंट एनीथिंग ऑन द स्क्रीन बाय यूजिंग द माउस पॉइंटर, किसी भी स्क्रीन पर किसी भी चीज़ को पॉइंट करने के लिए हम माउस पॉइंटर यूज़ करते हैं। वंस इट पॉइंट्स द ऑब्जेक्ट, क्लिक लेफ्ट बटन बाय प्रेसिंग एंड रिलीजिंग इट। सबसे पहले हम पॉइंट करने के लिए ऑब्जेक्ट पर पॉइंट करते हैं, फिर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हैं और फिर रिलीज करते हैं। द ऑब्जेक्ट विल बी सेलेक्टेड, उसके बाद वह ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाता है। दिस इज माउस पैड, द माउस इज ऑलवेज केप्ट ऑन द सॉफ्ट पैड, माउस को हमेशा सॉफ्ट पैड पर रखना चाहिए। दिस पैड इज कॉल्ड माउस पैड, इसको हम माउस पैड कहते हैं। इट प्रोटेक्ट द माउस फ्रॉम गेटिंग अनड्यूली रब्ड, यह हमें माउस को अनड्यूली रब्ड यानी रफ होने से बचाता है। एंड वी शुड कीप द माउस ऑन माउस पैड आर सेफ्टली, और हमें हमेशा माउस को सेफ रखने के लिए माउस पैड पर ही रखना चाहिए। नेक्स्ट है डबल क्लिक, नॉन स्टॉप प्रेसिंग एंड रिलीजिंग द बटन ट्वाइस इज कॉल्ड डबल क्लिकिंग, बिना रुके प्रेस करना और रिलीज बटन को रिलीज करना, दो बार अगर हम क्लिक करते हैं तो उसे हम डबल क्लिक करते हैं। क्लिक क्लिक यानी दो बार हम क्लिक करते हैं। इट हेल्प्स टू ओपन एनी आइकॉन, इसकी मदद से हम किसी भी आइकॉन को ओपन कर सकते हैं। मूव योर पॉइंटर टू द कंप्यूटर आइकॉन, कंप्यूटर पे हम पॉइंटर को मूव कर सकते हैं। डबल क्लिक द लेफ्ट माउस बटन, डबल क्लिक हम लेफ्ट माउस बटन से करते हैं और कंप्यूटर विंडो विल ओपन फॉर यू, और कंप्यूटर विंडो भी इससे हम खोल सकते हैं। राइट क्लिक, प्रेस द राइट बटन ऑन द कंप्यूटर माउस वंस एंड देन रिलीज इट, कंप्यूटर माउस पे सबसे पहले हम राइट बटन को प्रेस करेंगे एक बार और फिर उसे रिलीज कर देंगे। दिस इज कॉल्ड राइट क्लिक, इसको हम राइट क्लिक कहते हैं। टेक द माउस पॉइंटर ऑन कंप्यूटर आइकॉन एंड क्लिक राइट बटन, हम माउस पॉइंटर को कंप्यूटर आइकॉन पर देखते हैं और फिर राइट क्लिक करते हैं। यू विल नाउ सी द लिस्ट ऑफ कमांड ऑन द स्क्रीन, इसकी मदद से हम कमांड की लिस्ट जो है हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस प्रकार हम माउस की राइट क्लिक करते हैं तो ये हमारा कमांड की लिस्ट ओपन हो जाती है। नंबर 4, ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप इज यूज मूव एन आइटम और एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज़ किसी भी ऑब्जेक्ट को
कंप्यूटर स्क्रीन पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किया जाता है। इसमें हम समझेंगे मूविंग अ पॉइंटर सेलेक्ट एनी आइटम डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। किसी भी आइटम को हम सेलेक्ट करेंगे स्क्रीन पे जिसे कि हमें मूव करना है। प्लेस द पॉइंटर ओवर इट, उसके बाद पॉइंटर को उसके ऊपर रखेंगे। फॉर शिफ्टिंग द सेलेक्टेड आइटम और अनदर प्लेस प्रेस द लेफ्ट बटन होल्ड इट डाउन। फिर उसके बाद हम सेलेक्टेड आइटम को प्रेस करेंगे लेफ्ट बटन से और फिर उसे होल्ड करते हुए नीचे की तरफ ले जाएंगे। नाउ मूव द पॉइंटर टू द प्लेस वेयर यू वांट टू प्लेस इट। उसके बाद हम पॉइंटर को वहां पर मूव करेंगे जहां पर हमें इसको ले जाना चाहते हैं। नाउ रिलीज द लेफ्ट बटन, उसके बाद हम लेफ्ट बटन को रिलीज करेंगे। यू विल फाइंड द आइटम एट द प्लेस न्यूली सेलेक्टेड ऑफ इट। और इस प्रकार आप देखेंगे कि वहाँ पर नए सेलेक्टेड प्लेस पर वो आइटम आ जाएगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए नंबर वन प्लेस द माउस एनी आइकॉन ऑन डेस्कटॉप, नंबर टू प्रेस द लेफ्ट बटन हम इधर प्रेस करेंगे, थर्ड ऑप्शन होल्ड एंड मूव विदाउट रिलीजिंग द लेफ्ट बटन, फिर लेफ्ट बटन को हम मूव होल्ड करेंगे विदाउट रिलीज किए हुए, एंड लास्ट में हम रिलीज द बटन वेयर यू वांट टू प्लेस। उसके बाद हम मान लीजिए यहाँ पर हम चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट्स को, तब हम बटन को रिलीज करेंगे जहाँ पर वह हम चाहते हैं। दिस इज माउस पॉइंटर। द पॉइंटर मूव्स ऑन द स्क्रीन विथ एवरी मूवमेंट ऑफ द माउस। पॉइंटर जो है मूव स्क्रीन पर मूव करता है, जो भी हम काम करते हैं वो हमें माउस के मूवमेंट से पता चल जाता है कि हम कहाँ पर और क्या काम कर रहे हैं। अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसके मेन पॉइंट्स हम एक बार वापस देखेंगे। माउस इज ए पॉइंटर डिवाइस। माउस क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है। सिंगल क्लिक इज़ यूज टू सेलेक्ट एन आइटम। सिंगल क्लिक करने के लिए हम आइटम को सेलेक्ट करते हैं। डबल क्लिक इज़ यूज टू ओपन ए विंडो, और डबल क्लिक हम विंडो को ओपन करने के लिए करते हैं। राइट क्लिक इज़ यूज टू शो द लिस्ट ऑफ कमांड। राइट क्लिक को यूज़ हम तब करते हैं जब लिस्ट ऑफ कमांड देखना चाहते हैं या शो करना चाहते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप इज़ यूज टू मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एंड ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर हमें मूव कराना होता है। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग कॉलम ऑल्सो कलर इच बॉक्स इज कॉलम बी विथ द सम कलर एज शोन इन कॉलम ए। कॉलम ए से कॉलम बी को हम मैच करेंगे। नंबर वन राइट क्लिक, प्रेस राइट माउस बटन। टू पॉइंटर, पॉइंटर इज एन एरो मार्क्स। डबल क्लिक, प्रेस लेफ्ट माउस बटन ट्वाइस। क्लिक, प्रेस लेफ्ट माउस बटन वंस। ड्रैग, मूविंग एन आइकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन बिलो इन द हेल्प बॉक्स। ये तीन ऑप्शन है, इसके अकॉर्डिंग ही हमें फिल इन द बॉक्स में फिलअप करना है। नंबर वन माउस इज एन इनपुट डिवाइस। टू नन स्टॉप रिलीजिंग एंड रिलीजिंग द माउस बट नन स्टॉप रिलीजिंग एंड रिलीजिंग द बटन ट्वाइस इज कॉल्ड डबल क्लिक। एंड नंबर थ्री सिंगल क्लिक इज यूज टू सेलेक्ट एन आइटम ऑन द मॉनिटर। सी देखेंगे, राइट ट्रू और फॉल्स ऑप्शन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। डबल क्लिक मीन्स क्लिकिंग द लेफ्ट माउस बटन ट्वाइस, ट्रू। Pointer mouse towards the left side of the screen only, false. 3. To see the list of command, right mouse button is click, true. Mouse is a pointing device used to draw picture, true. The mouse moves on the screen with every movement of the pointer, true. Next ये activity है जो बच्चों के लिए काफ़ी helpful रहती है, इसको हम करेंगे। नंबर वन में हम देखते हैं, नंबर वन यहाँ पे हो रहा है, नंबर वन डबल क्लिक, डी से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे डी से हो जाएगा डी ओ यू
डी एल ई डबल क्लिक सी एल आई सी के क्लिक। नेक्स्ट हो गया नंबर फोर में आ जाता है सेलेक्ट एस ई एल ई सी टी सेलेक्ट। नंबर सिक्स लेफ्ट बटन एल ई एफ टी बी यू डबल टी ओ एन लेफ्ट बटन। सेवन हो गया अपना पॉइंटर पी ओ आई एन टी ई आर पॉइंटर। एंड नंबर टू माउस पैड एम ओ यू एस ई माउस पैड। एंड ये हो गया नंबर थ्री एरो ए डबल आर ओ डब्लू एरो। एंड नंबर फाइव डी आर ए सी ड्रैग। दिस इज़ कम्प्लीट। ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताइए और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। इसी सिलेबस से हम कंप्यूटर ओलंपियाड में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो भी हम आपको बताएंगे।